हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भाग्यश्री उत्तराखंडी ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। गाइस, सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा पलक। और गाइस, आज मैं बनाने वाली हूँ नई रेसिपी, तो नहीं बोलूँगी, नॉर्मली सभी बनाते हैं। सो मैं दिखाने वाली थी कि मैं किस टाइप से बनाती हूँ, तो वो मैंने आलू कट कर लिए हैं, वो भी ऐसे करके लंबे लंबे हिस्सों में, ठीक है। वो मैंने पानी में भिगा के रख दिए हैं। और यहाँ मैं कट करूँगी अभी बैगन। सो बैगन मैंने ज़्यादा नहीं लिए हैं, क्योंकि आप अपनी फैमिली के हिसाब से लोगे ना सब्जी जो भी है। तो यहाँ मैंने प्याज कट कर लिए है, दो प्याज छोटे छोटे कट किए मैंने। और यहाँ पे मैंने एक प्याज साइड में ना, एक साइड का मतलब भाग मैंने प्याज जो है कद्दूकस कर लिया, और थोड़ा अदरक और थोड़ा लहसुन, ठीक है, ये आधी कटोरी जितना ये मैंने मसाला यहाँ पे बना दिया है। और अब मैं आपको मैं ये कट कर लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। ओके, सो गाइज, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कट कर लिया बैंगन भी, आलू पहले ही कट कर लिए थे, प्याज और वो वाला मसाला, और ये मिर्ची, हल्दी, गरम मसाला और धनिया पाउडर है, इसको मैं पहले ही मिक्स कर लेती हूँ, ठीक है, अच्छे से, क्योंकि इसको साथ में अगर मिक्स कर लूँगी ना, तो जब मैं डालूँगी तो उसका फ्लेवर अच्छा आएगा, सूखे मसाले का उतना अच्छा नहीं आ पाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ ही मैंने रख दिया है यहाँ पे गरम तेल, क्योंकि मैं क्या करूँगी, इसको ना पहले तल लूँगी, इसमें मतलब पहले भून लूँगी इसको, और उसको थोड़ा सा ऐसा कलर आना चाहिए, थोड़ा धीमा धीमा कलर आना चाहिए दोनों का, बैगन और आलू का। ओके, तेल हो चुका है बिल्कुल गर्म, उससे आने लग गया है धुआं। अब मैं डाल देती हूँ उस पर, सबसे पहले डालूँगी, पीछे कर देती हूँ नहीं तो ये छींटे मारेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें डाल देती हूँ पहले, ये देखिए सारी चीज़ें, दोनों चीज़ें मैंने कढ़ाई पे सारा डाल चुकी हूँ। अब मैं इसको ना हल्का सा फ्राई कर लूँगी, ठीक है, इसमें हल्का नमक ऐड कर लेती हूँ ऊपर कुछ ऐसे, ठीक है, ताकि वो सॉफ्टनेस आ जाती है ना, नमक से थोड़ा गल टाइप का जाता है, तो इसलिए, ठीक है, इसको सारा मैं घुमा लेती हूँ। इसको फ्राई करके बनाओ ना गाइस, इसका स्वाद बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है, और इसमें तेल बहुत ज़्यादा लगता है, मतलब नॉर्मल सब्जी से ज़्यादा लगता है इसमें, अगर तेल नहीं डालोगे ना गदगदा सा हो जाता है इसकी सब्ज़ी, ठीक है। देखो ऐसे तेल में बिल्कुल तेल होना चाहिए, इसमें ऑयल इतना होना चाहिए, देखो ये ऐसे करके, ठीक है। इसको थोड़ी देर में इसमें ढक्कन रख देती हूँ, दो तीन मिनट तक, फिर देखते हैं बाद में। सो तीन मिनट बाद देखते हैं गाइस, काफ़ी गर्म हुआ है, ये देखिए ये पक गया है, कम से कम 40% तो ये पक गया है, ठीक है, जितना पकना चाहिए इसको इसमें उतना ही फ्राई हो चुका है। ओके, ये आप देख रहे हो, आलू तो नहीं गलेगा, लेकिन ये इसमें बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टनेस आ गई है। अब मैं क्या करती हूँ, फ्लेम कर देती हूँ बंद, और इसको ट्रांसफ़र कर देती हूँ कटोरी प्लेट पे, ठीक है। सो गाइस, देख सकते हैं ये मैंने थाली में ट्रांसफ़र कर चुकी हूँ, और इसमें डाला मैंने थोड़ा सा, दो चम्मच और ऑयल डाला है, ताकि क्या बोलते हैं, अभी मैं इसमें जो लहसुन और अदरक और अपना जो भी मैंने प्याज हाँच कट किया है वो अच्छे से भून लूँ। इसमें तेल, ये वाला ऑयल भी हो गया गरम, अब डाल देती हूँ इसमें मैं जीरा, चेक करती हूँ, देखो हाँ हो चुका है ना, धुआँ आने लग गया। अब डाल देती हूँ इसमें जो मैंने कद्दूकस कर रखा है, लहसुन और प्याज, ये देखिए इस तरह मैंने डाल दिया है। इसको इतने से ही तेल में आपको फ्राई करना है, ठीक है, क्योंकि जहाँ तेल लगना था उस वाली सब्जी में ऑलरेडी ऑयल हो चुका है, तो इसमें इतना काफ़ी है इसको भूनने के लिए। अगर ये भून नहीं रहा है तो इसमें दो थोड़ी सी आप डाल सकते हो नमक, क्योंकि ऑलरेडी मेरी सब्जी में नमक पड़ा है, तो इसलिए इसमें कम ही डालना पड़ेगा, नहीं तो नमक ज़्यादा हो जाएगा। ये देखो इसमें ब्राउन ब्राउन शेड थोड़ा सा आ चुका है, तो अब सीधे प्याज डाल देती हूँ। यहाँ पे डाल दिया मैंने प्याज, ठीक है,
इसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ। ब्राउन ब्राउन जैसे ही हो जाएगा फिर इसमें सीधे मसाले डाल दूँगी और उसके ऊपर डाल दूँगी फिर बैंगन और आलू। सो यहाँ हो गई मेरी क्या प्याज अच्छे से भुन गया है और अब मैं डाल देती हूँ इसमें सीधे जो मैंने मसाला बनाया था। ठीक है, इसको भी अच्छे से कर लूँगी, थोड़ा सा पका लूँगी इसको भी। यहाँ पे हो चुका है मेरा मसाला बिल्कुल रेडी, इसमें ऊपर से डाल देती हूँ मैं सीधे अब बैंगन और आलू। ठीक है, फर्स्ट कर लेती हूँ इसमें मिक्स अच्छे से मसालों को। ये देखिए मैंने मिक्स कर लिए मसाले, आप चाहे तो ग्रेवी चाहे तो आप ज़्यादा पानी डाल सकते हैं, मुझे ग्रेवी नहीं पसंद तो मैं सिर्फ आलू पकने के लिए थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करूँगी, तो मैंने वो सो कर चुकी हूँ थोड़ा सा। और अब मैं इसको 5 मिनट के लिए ढक्कन रख दूँगी और उसके बाद मुझे लगता ही है कि आलू पक ही जाएगा अब। ठीक है, उसके बाद आपको दिखाऊँगी। ओके, सो यहाँ 4 मिनट के बाद सब्जी देख लेते हैं, मुझे जलने की थोड़ा सा बदबू आ रही है, सब्जी तो ठीक ही बनी है। और अब मैं इसको फ्लेम बंद कर लेती हूँ, सब्जी को मैं ट्रांसफ़र कर देती हूँ बाउल में। ठीक है, ये देखिए सब्जी का कलर बिल्कुल जैसा मैं चाहती थी बिल्कुल वैसा ही है। ये देखिए, अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो बाय बाय गाइस।